प्रोफेसर हकीम शाकिर जमील यूनानी मेडिकल सेंटर है, ये शाहीन बाग में रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। जो प्रोफेसर हकीम साहब हैं वो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल सी सी आर यू है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर डीन फैकल्टी यूनानी मेडिसिन जामिया हमदर्द। उन्होंने अपना ये सेंटर यूनानी मेडिकल सेंटर स्टार्ट करा है। इन यहाँ पे यूनानी मेडिकल सेंटर के अलावा यूनानी की जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जैसे हिजामा है, लीचिंग है, तलीफ है और जो अदर आई बी डी मोड्स हैं इन सबको भी किया गया है। साइमल्टेनियसली यहाँ फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ है, फार्मेसी है, यूनानी दवा खाना उसको भी स्टार्ट किया गया है। यहाँ एक मिली डॉक्टर भी है, गायनेकोलॉजिस्ट समन के अलावा यहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट यूनानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी आते हैं। दो दिन प्रोफेसर हकीम शाकिर जमील साहब जो हैं वो बैठते हैं ट्यूसडे फ्राइडे, दो दिन यहाँ पे टू मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आती हैं। इसके अलावा दो दिन यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। यहाँ पे हमारे एक लैब इसका कलेक्शन सेंटर भी है, उसके इंचार्ज ये हैं। इसके अलावा यहाँ फार्मेसी सेंटर भी है, वो भी फार्मेसी दवाखाना भी है, यूनानी दवाखाना मेडिसिन हैं, एक बाकी स्पेशलाइज मेडिसिन फॉर्मुलेशन है वो भी यहाँ पर हैं। और क्या दवा शुरू करनी चाहिए? अच्छा मीठे का परहेज कीजिए। मैं दिल्ली के ही एक कॉलेज से मैंने बीआईएमएस की डिग्री 76 में हासिल की और उसके बाद मुझे इस बात पर फख्र भी है कि मैं आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज हकीम अजमल खान साहब का तिबिया कॉलेज है उस इदारे से सन 1978 में ही वाबस्ता हो गया था और वहाँ मुझे इस बात को भी मैं फख्र के तौर पर कहता हूँ मैं कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हकीम हकीम मदर सुबान उस्मानी साहब का मैं शागिर्द रहा, यानी उस एतबार से कि मैंने उनके साथ में काम किया, उनसे बराह रास्त पढ़ने की नौबत तो नहीं आई लेकिन मैंने उनके साथ काम किया। और मुझे हकीम मदर सुबान उस्मानी साहब लखनऊ के हकीम शमसुद्दीन साहब जो शमसुल उलमा का खिताब था जिनको जो उस ज़माने में शमसुल उलमा का नहीं बल्कि शमसुल अतिब्बा का जो किताब उस ज़माने हुआ करता था उनको उनके वो शागिर्द थे। मुझे हकीम उस्मानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला और तिबिया कॉलेज करोलबाग में मैं 6.5 साल के करीब में रहा और मैंने वहाँ पर 6.5 साल तक बराबर तिबिया कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर मतलब किया। उस बाद ये मेरी दूसरी खुशकिस्मती थी कि मैं जामिया हमदर्द यानी जो इस वक्त कहना चाहिए कि न सिर्फ दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जिसका एक दर्जा रहा है उसको मैंने सन 1984 में ज्वाइन कर लिया था और 1984 से ही मैं मजीदिया हॉस्पिटल से वाबस्ता रहा जहाँ यूनानी के मरीज न सिर्फ दिल्ली के कुर्बजावाड़ से बल्कि दूर दूर से दिल्ली के मरीज आते हैं और ओपीडी में और आईपीडी में मुझे उनके इलाज करने का मौका मिला। इस सिलसिले में ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गो के शुरू के दिनों में ही मरहूम हकीम अब्दुल हमीद साहब के साथ भी कुछ बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए सही लेकिन मुझे उनके साथ भी बैठने का मौका मिला और इस तरह से मैं उस वक्त से लेके 2010 तक जामिया हमदर्द के मजीदिया हॉस्पिटल में तिब्बी यूनानी की खिदमत की अंजाम देता रहा। 2010 में मेरी तीसरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस बात का मौका दिया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं डायरेक्टर जनरल CCRUM के अहदे पर मुझे मौका दिया गया कि मैं तिब्बी तदरीस यानी तिब की जो तालीम है और उसके साथ साथ कहना चाहिए कि तिब की जो प्रैक्टिस है मतलब है उसके साथ साथ मैं रिसर्च और तहकीक के अंदर भी कुछ काम करूं। वो कि मेरे रिसर्च और तहकीक से मेरी वाबस्तगी पहले से थी इसलिए कि खुद जामिया हमदर्द के अंदर सन 1994 से MD प्रोग्राम शुरू हो गया था और मैं इस MD प्रोग्राम के ज़रिए से रिसर्च कर मैं से वाबस्ता था, रिसर्च को मैं गाइड कर रहा था। लेकिन सन 2010 से मैं बहसीयत डायरेक्टर जनरल CCRUM सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च यूनानी मेडिसिन का डायरेक्टर जनरल मुझे बनाया गया और सन 2010 से 2015 के शुरू तक मैंने इस अहदे पर काम किया। मेरे उस अहदे के दौरान तिब्बी यूनानी के बहुत सारे इश्यूज़ पर मुझे मेरी कहना चाहिए निगरानी के अंदर मेरे उस रिविज़न में मेरी गाइडेंस में बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च हुई। कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट उस वक्त ख़त्म हो गए, कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट बाद तक चलते रहे। 2015 में मैं दोबारा जामिया हमदर्द में वापस आ गया इसलिए कि ये डायरेक्टर जनरल की पोस्ट एक टेन्योर पोस्ट थी यानी इसका वक्फा 5 साल तक ही होता है। मैंने 5 साल से कुछ कम में मैं 60 साल का हो गया और मैं वापस जामिया हमदर्द को मैंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 तक मैं जामिया हमदर्द से वाबस्ता रहा।
फिर दोबारा वाबस्ता हो गया और 5-6 साल मुझे और काम करने का मौका मिला। इस दौरान भी मैं जामिया हमदर्द के मजीदिया हॉस्पिटल के इंडोर हॉस्पिटल और आउटडोर हॉस्पिटल के अंदर यूनानी के से ताल्लुक़ से मरीज़ों की खिदमत भी अंजाम देता रहा, और उसके साथ साथ जो MD के स्टूडेंट्स और यूनानी के जो BUMS के स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स को मेरी निगरानी में उन्हें सीखने सिखाने का और डिस्कशंस करने का मौका मिला। इस सिलसिले में काबिल ज़िक्र बात यह है कि जामिया हमदर्द इस पूरे इदारे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिसके में मैंने इतनी लंबी मुद्दत जामिया हमदर्द में गुजारी, और उसमें मैंने अमली तौर से तिब्बे यूनानी की खिदमात बतौर तबीब यानी मरीजों का इलाज मालजा, बतौर एक तिब के उस्ताद यानी टीचर के, बतौर प्रोफेसर के मैंने खिदमात अंजाम दी और मेरे अंडर में बहुत सारे लोग, और बतौर यानी एक रिसर्चर के रिसर्च और तहकीक से मैं भी मेरा हर बहुत सारी बीमारियों पर मैंने इस सिलसिले में रिसर्च की वहाँ पे। ख़ास तौर से मुझे जिन चीज़ों पर रिसर्च करने का मौका मिला वो मुझे इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कई तहकीकी मौजूआत पर मैंने रिसर्च की, ख़ास तौर से वो अमराज के जो अमराज हाफजे से और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिसको कहते हैं हाफजे की कमी वगैरह जैसी बीमारियों पर मैंने रिसर्च की, और उसके अलावा हजम से मुतालिक बात चीज़ों पर भी कुछ काम करने का मौका मिला। ख़ास तौर से मुझे काम करने का मौका मिला इलाज भी तदाबीर और हिजामा जैसी चीज़ों का एप्लीकेशन उनका के उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए जोड़ों की बीमारियों में, तो जोड़ों की बीमारियों में और हाफजे से यानी मेमोरी से दिमाग से मुतालिक अमराज में और उसके साथ साथ हजम से मुतालिक अमराज में मुझे कई उसमें काम करने का मौका मिला। तो इस तरह से तकरीबन मेरा 43 साल यानी 42 साल से भी कुछ ज़्यादा का सफ़र है, जो सफ़र इलाज मालजा है जिसमें तिब की यूनानी की तिब्बे यूनानी की तदरीस है और जिसके अंदर तिब्बे यूनानी में रिसर्च है, ये 42 साल का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा हुआ। इस सफ़र के पूरा होने के बाद मैं अभी हाल में चंद महीने पहले जामिया हमदर्द से मैं रिटायर हुआ और मैंने शाहीन बाग के अंदर ये सेंटर शुरू किया। शाहीन बाग में एक तो यूनानी कंसल्टेशन है, मेरे पास मरीज़ आते हैं मैं उनको दवा लिख देता हूँ उनका। दूसरे उसके साथ साथ ये भी है कि हमारे पास यह हिजामा का एक हिजामा की फैसिलिटी भी यहाँ पर है यानी कपिंग की फैसिलिटी, और उसमें हमने कोशिश ये की है कि जो मेल पेशेंट्स हों उनकी हिजामा मेल डॉक्टर करें और जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनका हिजामा यानी कपिंग फीमेल डॉक्टर करें। हमारी टीम के अंदर फीमेल डॉक्टर भी है, डॉक्टर समन अनीस जो है वो फीमेल डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, और वो ख़ास तौर से हिजामा फीमेल पेशेंट्स के लिए वो करती हैं। साथ साथ यूनानी डिस्पेंसरी भी है। इसके साथ साथ जामिया हमदर्द के एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर सोहराब, वो हमारे सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं और हफ्ते में 2 दिन उन्होंने भी यहाँ पर बैठना शुरू किया है मंडे और थर्सडे, तो फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी है। चौथी फैसिलिटी जो हमारे यहाँ है वो है लैब इन्वेस्टिगेशंस की भी। कभी कभी हमारे यूनानी तिब्बे यूनानी के अंदर आमतौर पे मशहूर यह है कि नब्ज़ से तशख़ीस की जाती है, ये बात किसी हद तक सही है, हम भी नब्ज़ से भी तशख़ीस करते हैं, लेकिन कहीं कहीं बाद चीज़ों के अंदर हमें किसी लैब इन्वेस्टिगेशन लैब टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे लैब की फैसिलिटी है। हम अभी मुकम्मल लैब हमारे नहीं है लेकिन लैब का कलेक्शन सेंटर है और दूसरे जो लैब्स हैं उनसे हमारा टाई अप इस सिलसिले में है, तो ये फैसिलिटीज़ हैं। इस वक्त आगे कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे इलाके के अंदर यूनानी का कोई अच्छा बड़ा सेंटर नहीं है, और हमारी अल्लाह से दुआ है कि इस सेंटर को हमें मज़ीद बढ़ाने का मौका मिले और इस इलाके के लोगों की भी और पूरे दिल्ली शहर की और बल्कि पूरे आलम के लोगों की हमें, इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, खैरुन नास मन यनफ़ऊ नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों की खिदमत करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए और ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ज़खीरा आख़िरत बने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समन अनीस है, मैं यहाँ पर यूनानी फिजिशियन हूँ। ये हमारा हकीम शाकिर जमील यूनानी मेडिकल सेंटर है और यहाँ पर मैं गायनी और ऑब्स के केसेस को डील करती हूँ। मेरे अंडर में जो जो प्रोसीजर्स होते हैं उससे रिलेटेड है, यहाँ पे जितनी भी फीमेल पेशेंट्स हैं, इट इज़ आप लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर जो भी फीमेल पेशेंट्स हैं उनके लिए फीमेल डॉक्टर अवेलेबल है आपके एरिया में अब से। और इसके अलावा एक हिजामा एक प्रोसेस है जिसको कपिंग भी कहते हैं, जो कि सुन्नत रसूल भी है,
उसके लिए यूजुअली फीमेल डॉक्टर मिलना मुश्किल होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके एरिया में फीमेल डॉक्टर, मैं खुद उसको प्रोसेस करती हूँ ऑन द फीमेल पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिजीज़। जैसे जैसे बीमारी होती है उसके हिसाब से हम उस पर हिजामा करते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलरली अगर गायनी और ऑप्स को देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रॉम द डे वन, जब से ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, प्रेगनेंसी हुई है शुरू, जब से लेकर लास्ट तक अप टू द डिलीवरी पॉइंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इन्वेस्टिगेशन, फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, फॉर ऑल द मेडिकल एंड केयर इंक्लूडिंग द मेडिसिन। हमारे पास यहाँ फार्मेसी भी अवेलेबल है, तो आपको यहीं से एक ये सहूलत है कि आपको यहीं से आपको दवा भी मिल जाती है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के अलावा जो गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक वाइट डिस्चार्ज, द मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है जिसको लुकोरिया कहा जाता है, उससे रिलेटेड दवाएं और उसका बहुत अच्छा बहुत श्योर शॉट इलाज। और इसके एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में कि यहाँ पर हमारे पास ये सहूलत भी मौजूद है कि हम यहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग भी करते हैं, जो भी रेगुलर स्क्रीनिंग होती है फीमेल पेशेंट्स की, तो उस रेगुलर स्क्रीनिंग में कैंसर स्क्रीनिंग में यहाँ पे करती हूँ, जिसमें इंटरनल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है पैप स्मियर की और एच बी